वेलकम द चैनल और अर्जेंटीना वर्सेज ब्राजील ऑब्वियसली ब्राजील के होम पे मैच हुआ अर्जेंटीना जीत गई है. मैच वन जीरो निकलस ऑटोमेंटी बट इस मैच पे विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस मैच पे मैच के ऊपर

नहीं होना चाहिए व्हेन टू पावर हाउसेस ऑफ साउथ अमेरिकन फुटबॉल आर कोलाइडिंग ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना इट शुड बी अ स्पेक्टेकल रादर देन दिस राइट तो ऑन द पिच जो है वो मजा नहीं आया मैच देख के बिकॉज़ प्रॉब्लम यही है कि ऑन द पिच मजा नहीं आया बिकॉज़ बहुत सी चीजें जो है वो खराब हो रही थी ऑफ द पिच सकलोनी से रिलेटेड भी न्यूज़ है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे मैसी से रिलेटेड भी है लेकिन सबसे पहले जो है आ, मैंने जैसे कहा कि ऑफ द तो फील्ड जो इश्यूज चल रहे थे उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं

देखें ये इसमें कोई इशू नहीं है मुझे ठीक है लोग इसको इतना बिला वजह का वो बना रहे हैं भाई रोड्रिगो अब बच्चा नहीं रहा ठीक है ऑब्वियसली इज़ एक्सपीरियंस प्लेयर पैंतीस छत्तीस साल के हो चुके हैं रोड्रिगो भी बाईस साल का है राइट ऑन द पिच ये ऑफ द पिच इज नॉट फाइन बिटवीन द प्लेयर्स ऑल्सो एंड बिटवीन द फैंस ऑल्सो मेरा ये मानना है ऑन द पिच तो भाई इन द हीट ऑफ द मोमेंट इससे तो ये तो कुछ भी नहीं है इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं ऑन द पिच और वो मतलब ऑडियो भी उनकी सामने अगर आप जाके सोशल मीडिया के ऊपर देखें सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो बिला वजह एक बीफ क्रिएट किया जा रहा है बिटवीन किसी और इट्स फाइन भाई ये तो पिच के ऊपर होता है इट्स ब्राजील अर्जेंटीना तो इंटेंसिटी तो होनी चाहिए ऑन द पिच ऑन द पिच बार बार मैं वो कह रहा हूँ ऑन द पिच राइट जो कि दिखी और फाउलिंग इज ऑल्सो फाइन सब कुछ ठीक है अनलेस आप मतलब इंटेंशनली किसी की टांग तोड़ने को

दिस ईयर तो उन्होंने कंटिन्यू किया आ, उसके बाद जो है वो आ, सब भी हो गए मैसी तो अः थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि आहिस्ता आहिस्ता मैसी का भी वो टाइम आ रहा है जहां पे मैसी जो है वो फुली 90 मिनट्स नहीं खेल पाएंगे और आई थिंक आई एम हैप्पी बिकॉज सेम चीज शायद हो सकती थी रोनाडो वाली

राइट right? uh, जो टॉप uh, लीग फुटबॉल है यू हैव टू मेंटेन द इंटेंसिटी आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती आपकी जो है माइंड में वही चल रहा होता है बिकॉज यू आर दिस मतलब बिग बिगेस्ट प्लेयर्स दो नाम जो फुटबॉल की हिस्ट्री में रही हैं लेकिन आपकी बॉडी जो है वो वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती और आप इंजरी प्रोन भी एक्सरसाइज तो होते जाते हैं तो आई थिंक मेसी इज फोकसिंग ऑन द कोपा अमेरिका टू एंड ऑब्वियसली मे बी मे बी इफ दर इज अ चांस सिक्स का वर्ल्ड कप एंड आई थिंक सेम इज द केस टू थाउज ट्वेंटी फोर विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑल्सो तो आई थिंक

और फैमिलीज हैं सिर्फ प्लेयर्स की नहीं जर्नल फैमिलीज लोगों की फैमिलीज हैं और पुलिस जो है कोई भी इंसिडेंट हुआ है जैसे मैं जर्मनी वर्सेस फ्रांस गया था ना सिग्नल डूना पार्क तो वहां पे भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था तो पुलिस ने क्या किया था बड़ा जो है वो प्रोफेशनली उन्होंने दो लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनको जो है वो आ, ले गए मतलब समझ लें कि वो डिटेन करके ले गए दो लोगों को उसके बाद एन्वायरमेंट खुद ब खुद ठीक हो गया क्योंकि हो सकता है कि और भी लोग इन्वॉल्व हो लेकिन जो उन्होंने दो लोगों के साथ किया तो लोगों को समझ लग गया कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है एंड दिस वट पुलिस हैव हैव टू टू डू यू डिटेन सम एंड जो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी बट आई एम एब्सोल्युटली शॉर्ट के किस तरह पुलिस भाई ये साउथ अमेरिकन फुटबॉल के अंदर आपको यूरोपियन फुटबॉल में देखने को नहीं मिलेगा कि किस तरह पुलिस मतलब ना देख रही थी कि कोई बूढ़ा है जवान है औरत है बच्चा है दे देवर जस्ट मतलब हैम्बरिंग ठीक है वो डंडे मार रहे थे जो कि आपको नॉर्मली एशिया के अंदर देखने को मिलता है uh, तो दिस इज मतलब यार नॉट ऑन नॉट नॉट ऑन ऑन दिस इज एब्सोल्यूट साउथ अमेरिकन फुटबॉल यार अच्छी फुटबॉल है फुटबॉल है ऑन द पिच दिखनी चाहिए ये कोई तरीका नहीं और हाउ दे आर नॉट एबल टू सेपरेट द फैंस अर्जेंटीना और ब्राजील के फैंस एक साथ कैसे थे तो ये मिसमैनेजमेंट उनकी खुद की है और उसके बाद वो डंडे बरसा रहे हैं मतलब सर पे मार रहे हैं भाई दिस इज आप यूरोप के अंदर इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकते ये पुलिस मतलब ये तो निकल जाएगी पुलिस यहां से लेकिन

की न्यूज आ रही है दैट ही माइट बी नेशनल टीम विच इज मतलब साउथ अमेरिकन फुटबॉल के मसले कभी खत्म नहीं होते साउथ अमेरिकन फुटबॉल अब पिछले कुछ रिसेंट सा, काफी सालों से इसलिए डोमिनेट नहीं, uh, नहीं कर रही वर्ल्ड फुटबॉल को वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इनके पोलिटिकल इशूज इन खत्म होते अब एज पर रिपोर्ट

हिंट उनका जो भी है कि फोकस होना चाहिए एक बंदे को और ये और वो नया मैनेजर को इस तरह इस तरह इट्स सिंपल सी बात है जो भी उन्होंने स्टेटमेंट उसका मतलब ये कि इज नॉट हैप्पी विद द इंटरनल पॉलिटिक्स इन अर्जेंटीना फुटबॉल और वो जो इंटरवेंशन है वो पसंद नहीं है और हम आपको पता है एशियन फुटबॉल के अंदर भी बहुत दफा डिस्कशन करते हैं कि यार पोलिटिकल पॉलिटिक्स जो होती है ना वो डिस्ट्रॉय कर देती है फुटबॉल को आप इमेजिन करें करेंकलोनी टीम इतनी अच्छी तरह जेल्टअप है और इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है और एकदम से वो जो है वो छोड़ के चले जाए तो बिल्कुल बिल्कुल